डीडी न्यूज़ पर। प्रगति की गति भारत की शक्ति। जी हाँ, ये है नया भारत, जहाँ पर गति भी है, प्रगति भी है, और यही प्रगति नए भारत की नई शक्ति बनकर उभर रही है। और जब हम गति की बात करते हैं तो हम रेल को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि रेल ही ऐसा माध्यम है जो देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ता है। रेल ही सरल, सस्ता, एक सफर तो उपलब्ध कराता ही है, इसके साथ साथ विभिन्न संस्कृतियों से, विभिन्न जगहों के सौंदर्य से, इसकी विविधता से परिचित होने का मौका भी देता है। तो रेल के इसी सफर में हम आपको ले आए हैं जम्मू एंड कश्मीर। आइए आपको ले चलते हैं बारामूला से संगलदान तक के सफर पर। अब हम आ चुके हैं संगलदान स्पेशल ट्रेन में। ये ट्रेन बारामूला से संगलदान जाएगी। इसका जो पैच है वो एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पर हम महिला कोच में हैं। यहाँ पर दो महिला कोच है, कुल 6 कोचेस इस ट्रेन में है। 19 स्टेशन को ये कवर करेगी। जिस सफर में पूरा दिन लग जाता था वो मात्र 3 घंटे में इसे पूरा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है ये हम आपको दिखाएंगे। पूरा संगलदान तक सफर करेंगे। मेरा नाम अजीजी बेगम। अच्छा, आप कहाँ से? हम है बांडीपोरा। बताइए, आपने रेल को ही क्यों चुना? इसमें मजा है। अच्छा अच्छा है। अच्छा अच्छा, कैसे अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, ये आराम से चलते। और आपको हम ये भी बता दें कि यहाँ पर जो टीपी है वो भी महिला है, तो महिला सशक्तिकरण भी इस ट्रेन में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ट्रेन के आने से कितना बदलाव जो आपकी जैसी कामकाजी लड़कियाँ हैं उनके जीवन में? हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हमें जो कम्फर्ट लेवल मिल रहा है ट्रेन से वो वैसे लोकल में नहीं मिल रहा, हमें बैरोड नहीं मिल रहा। वैसे जो हमारे इस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, लाइक जॉब्स में लड़कियों के लिए खास तौर से, तो इसे हमारे लिए बहुत ही बेहतरी आ रही है दिन ब दिन। मेरा नाम सहर है और मैं एक बैंकर हूँ। सहूलत तो डेफिनेटली हुई है, क्योंकि अगर मैं पहले की बात करूँ, अप डाउन करना तो पॉसिबल नहीं था, खासकर मैं अगर अपनी बात करूँ एक बैंकर के लिए, जहाँ यू हैव टू बी एट योर डेस्क बाई 9:45। तो ट्रेन में अगर हम 7 o'clock की ट्रेन से भी आ जाते तो ईजिली मैं अपना काम कर सकती हूँ। या कभी बेटे का नानी के घर जाने का मन हुआ, हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बच्चे को लिया और चले गए, 2 दिन वीकेंड स्पेंड करके वापस आ गए, तो डेफिनेटली इज अ बिग थिंग। ट्रेन ने आपको इंडिपेंडेंट भी बना दिया है। इंडिपेंडेंट भी बना दिया है और सेफ भी बना दिया है। चुनाव भी आने वाले हैं, है ना? ऐसे में जो यहाँ की महिलाएं हैं बेसिकली, उनके क्या क्या इश्यूज हैं, वो क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? मे बी उनके जो लॉज हैं उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, खास करके डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह का जो है। तो अदरवाइज बाकी मुझे ऐसे कुछ कमी लगती नहीं है उतनी ज़्यादा। तो
तो क्या बोले भारत में हम आज कर रहे हैं बारामूला से संगलदान तक का सफर और बता रहे हैं क्या है जम्मू कश्मीर की आवाज़। महिलाओं के कोच से हम आए हैं, 6 कोचेस इस ट्रेन के अंदर है। एक और कोच में हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर भी हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। मैं बैठ सकती हूँ यहाँ पे? ट्रेन के होने से यहाँ पे क्या क्या फायदा? ट्रेन के होने से बहुत सारे फायदे हैं। बेरोजगारी में थोड़ा होता है, बेरोजगार बैठे हैं जो गाड़ी में भी चढ़ते हैं, इधर ट्रेन में भी चढ़ते हैं, कोई छोटी मोटी वो दुकान लेके अपनी, उससे भी उनका गुजारा होता है। नीचे स्टेशनों में वो होटल वाले भी होते हैं, टी स्टॉल वाले होते हैं, उनका गुजारा होता है। जो पहाड़ी लोग हैं उनके लिए बहुत फायदा है, जो कट ऑफ थे बाकी जगहों से, जैसे जम्मू है, दिल्ली है, ऐसे उनको बहुत परेशानी होती थी। अभी अभी सहूलियत मिल रही है, कुछ पहले से चेंज आया है? चेंज आया है, बहुत चेंज आया है। आपको लगता है कि राजनीति में जिस तरह से अब एक नई राजनीति यहाँ पर आई है, पहले जिनको मौका नहीं मिलता था उनको भी मौका मिल रहा है? ये तो मैम सही बात है कि इसमें अब वुमेन्स को भी मौका मिलता है, जैसे पहले लेडीज को नहीं था इतना मौका, आज तो लेडीज को भी मौका मिलता है इसमें आने का। अब इसमें हर एक आता है, हर एक कास्ट से आता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। पहले ऐसा क्यों होता था, क्या लगता है? वो क्या कह सकते हैं, पुराने जो हुक्मरान थे वो ऐसे ही थे, उनका नज़रिया अपना था। मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मोदी जी का क्या कहना, खासकर गरीबों के लिए वो अच्छे हैं। गरीबों के लिए क्या अच्छा है? हाँ, वैसे उन्होंने दिया, उनको बहुत सुविधाएँ दी है, किसी को अकाउंट में पैसे जो विडोज हैं उनको देते हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं ऐसे ऐसे मतलब सहूलियातें आहिस्ता आहिस्ता होता है। अच्छा, जो पहले की सरकारें यहाँ पे थी वो गरीबों के लिए या महिलाओं के लिए उतना नहीं सोच पाती थी, नहीं करती। वो अपना वो हुक्मरानी चलाते थे, वो अपना काम चलाते थे, बाकी गरीबों का कोई ख्याल नहीं रखते थे। तो उससे यहाँ पर कश्मीर को बेसिकली कितना नुकसान हुआ? बहुत कुछ नुकसान हुआ मैम, बहुत कुछ हुआ। इस वक्त कश्मीर कुछ और होता। अभी घाटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह की माहौल देखते हैं, किस तरह की शांति देखते हैं? रिस्ट्रिक्शंस थी पहले, वो थी ये थी, आज वो नहीं है, वो मुश्किलात नहीं है, फिर भी आज बहुत अच्छा है, माहौल अच्छा है। माहौल अच्छा है किसानों के लिए, व्यापारी के लिए, हर एक के लिए, यहाँ काम वाले के लिए भी, व्यापारी के लिए भी, मुलाजिम के लिए भी, चलना फिरना आराम से चल सकता है, कोई डर कुछ नहीं। यूथ को कितना फ़ायदा इससे मिल रहा है? देखो मैडम, एक बात कहना चाहता हूँ कि कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, कनेक्टिविटी से ये डेवलपर हो जाती है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें एक तो सफ़र में भी आसानी मिल जाती है, लोगों से कम्युनिकेशन में भी आसानी मिल जाती है, हर एक साइड से कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। क्या वजह है कि जो रफ्तार है कनेक्टिविटी की या डेवलपमेंट की वो अब तेज़ हुई है, पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? देखो यहाँ पे मसला क्या है कि अगर हम पॉलिटिशियन की बात करेंगे तो इससे पहले जो पॉलिटिशियन यहाँ पे होते थे वो क्या करते थे कि उनका मसला अलग होता है, और आजकल को तो गवर्नर चल रहा है, आज उनमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यही डिफरेंस हम समझना चाहते हैं आपसे। क्या होता है कि मैं सच बोलना चाहता हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, जो हमारी इससे पहले स्टेट की गवर्नमेंट हुआ करती थी वो बस अपनों से बात करते, अपनों का फ़ायदा उठा, अपनों से फ़ायदा लेते थे और अपनों को फ़ायदा देते थे, ये मसला है। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल ये चीज़ें नहीं चलती है, आज अमीर को भी वही मिलता है और जो गरीब को मिलना चाहिए, ये फ़र्क है, सबसे बड़ी फ़र्क ये चीज़ है। अगर वो अपनों को फ़ायदा पहुंचाते थे, आपको लगता है कि जो नेपोटिज्म परिवारवाद जो था वो बहुत चरम पर था उस टाइम, करप्शन बहुत ज़्यादा था? मैं कश्मीर में ही रहता हूँ, यहाँ पे इतनी करप्शन आज से 2-4-5 साल की बात हम करके बहुत ज़्यादा चलती, लेकिन आज बहुत फ़र्क है। तो इससे जो ओवरऑल मेंटालिटी है, जो मानसिकता है लोगों की, आवाम की, उसमें क्या चेंज आया है? बहुत बहुत सारी चेंज आई है। आज हम कहीं पे भी जाते हैं, किससे बात करने का, किसी ऑफिसर से बात करने का भी मौका मिलता है, इससे पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। इससे पहले जो यहाँ पे स्टेट हुकूमत हुआ करती थी, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे कोई भी हो, इन्होंने तो हुकूमत किया, एक तो उमर अब्दुल्ला ने, एक तो महबूबा मुफ्ती ने, बस ये बस अपने घर की बात करते हैं, अपनापन करते हैं अपने लोगों के साथ, जो उनके क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं उनके साथ, बाकी ये नहीं, किसी का भी नहीं मानते हैं। बस देखो हम कश्मीरी क्या चाहते हैं, सबसे पहले हम कश्मीरी चाहते हैं पीस, ठीक है, यहाँ पे पीस होना चाहिए, यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। 5-8 साल अगर हम पीछे जाएंगे ना, अगर कोई गरीब इंसान होता उसको कोई वैल्यू नहीं थी, बिल्कुल भी कोई वैल्यू ही नहीं थी यहाँ पे, उसका कोई सुनता ही नहीं, अगर सच भी बोलता। अभी है, अभी उस चीज़ में चेंज आई है, फिर भी सुनते हैं। पहले के मुकाबले अब
जो पॉलिटिकल इक्वेशन है वो कैसे चेंज हुई है, राजनीतिक समीकरण कैसे चेंज हुई? बहुत बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे कश्मीर में अभी क्या है, अभी गवर्नर राज चल रहा है, बहुत सारे काम हुए, जो पेंडिंग काम थे वो सारे हो गए और होते भी रहे, होते भी है। जो मनोज सेना यहाँ पे हमारा गवर्नर है, इज अ लॉयल पर्सन, मैंने आज तक कभी वोट ही नहीं डाला, आज सोच रहा हूँ कि आज वोट डालेंगे। तो देखिए ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पर दिखाई देता है। वसीम जी कह रहे हैं कि इन्होंने आज तक वोट नहीं डाला था, लेकिन अब इनकी भी इच्छा हुई है कि इस बार ये वोट ज़रूर डालेंगे। और ये लोकतंत्र की सबसे सच्ची और सबसे अच्छी परिभाषा है, जब जो आम जन है, जो लोगों को चुनते हैं, उनके मन में ये भावना है कि हमारी सरकार है, हम उसे चुनेंगे। ट्रेन का सफ़र इसलिए होता है कि जो काफ़ी गरीब लोग भी होते हैं उनके लिए भी आसानी होती है, जहाँ पे गाड़ी वाले 500-600 रुपये किराया लेते हैं तो वहाँ पे ट्रेन से काफ़ी मतलब जो पैसा है आसानी हो जाती है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के, इसलिए कि ताकि इस वक्त बहुत तेज़ी से काम चल रही है, हम संगलदान से आगे भी देखा है काम चल रही है। क्या सोचकर आप वोट डालें? वोट डालेंगे यहाँ की डेवलपमेंट के लिए। वोट तो डालना है, वोट तो डालना। देखिए ये जो भी अच्छा करता है तो वोट उसी को मिलेगा। क्या लगता है आपको बेरोजगारी खत्म कैसे होगी? जब मोदी जी आएगा वो सोचेगा, उसने कुछ वादे किए हैं, उन वादों को अगर वो ठीक करेगा तो ठीक। ये सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, जो पार्टी काम करेगी उन्हीं को वोट देंगे। काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा है काम होना चाहिए। जो यहाँ की लोकल पार्टीज है पहले से जीते वही आ रहे हैं, पहले से वही यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले से वही इलेक्शन कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब बाहरी जो इलेक्शन होगा, यहाँ बाहरी जो पार्टीज आएंगी वो अपने तरीके से मैनिफेस्टो होगी, अपने तरीके से अपना काम करेगी। अच्छा उनका उनके अलग कोई मैनिफेस्टो होगा तो वहाँ पे यहाँ पे उसी बुनियाद से काम करेगी, क्योंकि हर किसी पार्टी का अपना अपना एक मैनिफेस्टो होता है कि हम किस लैंग्वेज या किस वे में काम करेंगे, फर्स्ट कैसे हम लोगों को सेटिस्फाई करेंगे। नाउ वी आर द बेस्ट गवर्नमेंट एंड वी प्रोवाइड द बेस्ट थिंग्स अगेंस्ट दोज गवर्नमेंट्स व्हिच आर ऑलरेडी हियर, जिन्होंने कुछ नहीं किया। आपको लगता है कि जब ज़्यादा दल हो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में भी एक कॉम्पिटिशन होता है, तो वो जो कॉम्पिटिशन है वो हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, उसमें उनको भी होता है कि हम जनता को क्या जवाब दे ही दें या उनको क्या काम दें जिससे वो हमें चुने, तो वो आम लोगों के लिए अच्छा होता है? आम लोगों के लिए तो अच्छा ही होता है, क्योंकि एक कंपटीशन लगता है, तो किसी को बोलता नहीं मैं इस को वोट, इस पार्टी को वोट, इस पार्टी को वोट, उसमें क्या होता है कि जो वोट से वो डिवाइड हो जाते हैं। तो जो पार्टी ताकत में होगी, जिस पार्टी का पता होगा कि नहीं मेरा वोट कहीं नहीं जाएगा, वो जीतेगी। मैं खुद की बात करूँ, अगर मुझे किसी पार्टी को वोट दें, मैं उसकी पार्टी को एक लेगेसी देख के वोट डालूंगा, देखूंगी ये पार्टी क्या करेगी मेरे लिए, क्या डेवलपमेंट का काम कैसे करेगी। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आए तो वो कुछ लेके आए हैं, तो लोगों के सामने अच्छी बात है, आना चाहिए, बार बार आना चाहिए, लोगों की तकलीफ को देखना चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट। दो चार साल में आपको लगता है कुछ काम होना शुरू हुआ है? जी जी मैम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखें कि एम्स यहाँ पे जो बड़ा प्रोजेक्ट है अवंतीपुरा में वो स्टार्ट हुए हैं, रेल को कनेक्ट किया गया, ये भी एक अच्छा है। जो ना मरकजी सरकार ने बहुत से करप्शन यहाँ पे ख़त्म किए हैं, मरकजी सरकार ने किसानों को बहुत से ज़्यादा फायदे दिए, हर साल में 12-12 हज़ार रुपया डालते हैं, और मरकजी सरकार ने यहाँ पे बहुत से डेवलपमेंट किए हैं। इस बार चुनाव में इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा? हाँ जरूर पड़ेगा चुनाव में इस बार असर, क्योंकि मरकजी सरकार ने यहाँ पर जो करप्शन थी वो ख़त्म किए हैं, और मरकजी सरकार यहाँ पे फायदे देते हैं नौजवानों को, खासतौर किसानों को, बेरोजगार नौजवानों को देते हैं बहुत से फायदे। जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये जो सिलसिला है, जैसे ये ट्रेन लगातार जारी है, तो ऐसे ही ये विकास का काम भी लगातार जारी रहना चाहिए? हाँ विकास का काम तो आगे बहुत करना है, मरकजी सरकार को इस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ बारामूला से जम्मू तक रेलवे स्तर जाना चाहिए। कारपेंटर हैं, मोदी सरकार ने उनको भी अपनी तरफ से लोन दिया है, मोदी सरकार की गारंटी है, बहुत से नौजवान तो खुश हैं। तो आप मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हैं? हाँ करते हैं, पहले हम जाते हैं अपने बैंकों पे जाते हैं, हम बोलते हैं गारंटी लाओ, मगर इस साल तो मोदी सरकार की गारंटी है, मोदी सरकार की गारंटी, यूथ से इससे बहुत खुश है। कैंडिडेट का चयन करेंगे कि बाद में भी वायदा पूरा करें? हर कोई अपना सोच समझ के काम करता है, जैसे यहाँ कश्मीर का लोकल है और कोई जिसको जैसे वोट डालना होगा वो डालेगा अपने कैंडिडेट को। तो लगातार हम रेल का सफर कर रहे हैं और इसमें लोगों से बात भी कर रहे हैं, केवल रेल के नेटवर्क के बारे में ही नहीं बल्कि और भी जो सुविधाएं आई हैं, और अब वो
क्या चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो किस तरह की उनकी अपेक्षाएं हैं, किस तरह की उनकी मांगे हैं, क्या वो सोचते हैं। इस तरह से जो रेलवे का नेटवर्क है यहाँ पर एक बहुत बड़ा वरदान यहाँ के लोगों के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, एक वरदान ही है, इससे बहुत फायदा हो जाएगा। टूरिस्ट जो है जिनका पैकेज होता है, एक पैकेज में आते हैं, जो यहाँ के एयर फेयर्स है जो डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं विंटर्स में ज़्यादा, या आप समर में भी देखेंगे तो बहुत ही हाई होते हैं, तो इससे ट्रेन से वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और टूरिज्म बढ़ जाएगा, तो यहाँ के लोगों को और काम मिलेगा और उनको अच्छी तरह से उनका व्यवसाय चलेगा। मैं श्रीनगर से आ रहा हूँ, रातनाग जा रहा हूँ, मेरा नाम अल्ताफ है जी। आगे इंशाल्लाह हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट आने वाली होगी तो हमारे लिए प्रोग्रेस हो, हमारे लिए अच्छी चीज़ें हो, मतलब हमें ऐसे मतलब किसी भी बेसिस पे हमें ना डिस्क्रिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी अभी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी इससे बेहतरी आए, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। और अब हम गुजर रहे हैं अनंतनाग रेलवे स्टेशन से। यहाँ पर स्टेशन के बारे में बताना इसलिए भी खास है, बहुत ही संवेदनशील ये इलाका हुआ करता था। एक बार ये रेलवे स्टेशन आतंकवाद का दंश झेल चुका है, इसे जला दिया गया था और उसके बाद बहुत कम लोगों की हिम्मत होती थी यहाँ से गुजरने की, या यहाँ पर जो रेल नेटवर्क है उसको आगे बढ़ाना एक बहुत ही चुनौती का काम होता था। लेकिन अब देखिए शांतिपूर्ण तरीके से रेल चल रही है, लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं और पूरी तरह से जो संवेदनशील स्टेशन, संवेदनशील इलाके भी कहे जाते थे, वहाँ भी स्थिति अब सामान्य है। और आप देख सकते हैं कि युवा जो है वो बड़ी संख्या में इसमें सफ़र करते हैं, युवाओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा है वैसे तो सभी के लिए, क्योंकि बहुत सुविधाजनक है, महिलाओं के अलग से कोचेस हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सुविधा है और जो व्यापारी हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कि यहाँ के जो लोकल उत्पाद हैं उसके लिए प्रसिद्ध हैं, चाहे पाम्पोर का केसर हो या फिर सोपोर के सेब हों, और हर इलाके में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुँचाने में फिलहाल बड़ी लागत आ जाती है, लेकिन ये जब कनेक्टिविटी पूरे देश से जुड़ जाएगी तो व्यापार में भी बहुत ज़्यादा उछाल आने वाला है, व्यापारियों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। किस तरह का फायदा उनको होता है उनसे भी हम बात करेंगे। ट्रेन में हम आगे बढ़ते हैं। ये जो कनेक्ट हुआ कश्मीर से जम्मू तक रेलवे, इससे इंटरमीडिएट हुआ जम्मू एंड कश्मीर, इससे बहुत सहूलियतें हुई कश्मीर के लोगों को और ये इससे बहुत डेवलपमेंट हुआ। तो किस तरह का फायदा यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको भी होगा? हाँ, केसर एप्पल या हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत डेवलप होगा आगे आगे जब कनेक्टिविटी होगा जम्मू कश्मीर से अदर स्टेट्स तक, दिन ब दिन यहाँ ग्रोअर्स को फ़ायदा मिलेगा और क्या। तो इस वक्त सदरा रेलवे स्टेशन से हम गुजर रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि जो भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी संख्या में रेल में यहाँ पर सफ़र करते हैं। इनका कहना है कि जब जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं वैसे वैसे उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। और क्या उम्मीदें हैं यहाँ पर? बहुत गर्मा गर्मी थी पहले, दिन में लोग नहीं चलते, उस टाइम हालात ख़राब थी, अब दिन रात दोनों चलते, मज़े से चलते हैं, बहुत मज़े से चलते हैं, अपना अपना काम करते हैं अच्छी तरह। आप एक वोटर हैं, जब आप वोट डालने जाते हैं तब आपके दिमाग में क्या? दो तीन बार डाला नहीं हमने वोट, इंशाल्लाह इस साल डालेंगे। ये हमारा तो जो लीडर आएगा वो अच्छा होना चाहिए, जो हमारा काम करेगा, जो रेलवे चलाएगा, जो सस्ता काम देगा हमको। यूथ के लिए, युवाओं के लिए किस तरह का माहौल है, यूथ यहाँ पर क्या चाहता है? जब गवर्नमेंट अच्छे काम करेगी तो यूथ भी मतलब उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ाएंगी, तो मतलब यूथ इस टाइम बहुत खुश है। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो सरकार ने शुरू किए, उनका कुछ फायदा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है मैम, मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, जब वोट डालने आप जाएंगे, इस बार जाएंगे वोट डालने, चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे? मैम इंशाल्लाह जाएंगे। आप बताइए आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं? जी मेरा नाम तजमुल अमन खान है, मैं जैसे बड़गाम से हूँ, मैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कोच हूँ। मैं बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ट्रेन से सफ़र करते हैं? बहुत सारे, अभी हमारे कश्मीर के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, मुझे लगता है कि हर दिन कम से कम 200 बच्चे, 150 बच्चे जाते हैं सफ़र जो कर रहे हैं, उनको जाना पड़ता है नेशनल लेवल के लिए या इंटरनेशनल लेवल के लिए, तो वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम ट्रेन से ही जाएँ, तो उनके लिए मेरे ख्याल से जो ये हमारे जो ट्रेन है ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। और आइए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी की प्रेस वार्ता में।
आपको बता दें कि इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं भाजपा मुख्यालय से, और इस वक्त आपको यहाँ ये भी बता दें कि राजन भंडारी को इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया है और उनका स्वागत किया जा रहा है। इस वक्त केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त वहाँ मौजूद हैं और साथियों आपको एक और जानकारी भी मैं दूं कि जो गढ़वाल लोकसभा है जिसमें कि 14 विधायक हैं टोटल, उसमें 13 भारतीय जनता पार्टी के पास पहले ही थे। आज भंडारी जी के आने के बाद आज कांग्रेस के पास अब एक भी विधायक वहां से नहीं रह गए हैं, और ये हम सब के लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि भंडारी जी हम लोगों के साथ शामिल हुए हैं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वह मीडिया के साथियों को संबोधित करें। आज इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के नेता आदरणीय पीयूष जी, आदरणीय दुष्यंत गौतम जी जो हमारे उत्तराखंड के प्रभारी हैं और पिछला विधानसभा का चुनाव भी आप ही के प्रभारी रहते हुए हमारा संपन्न हुआ, और हमारे राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी और अभी जिनको गढ़वाल लोकसभा से हमारी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं हमारे अभिन्न मित्र आदरणीय अनिल बलोनी जी, हमारे बहुत पुराने साथी संजय मयूख जी, और आज बड़ा सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक करियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया, लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश के अंदर उत्तराखंड के अंदर जो विकास के अनेक काम हुए हैं, और उत्तराखंड में विशेषकर आपके पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो जिस क्षेत्र से राजेंद्र जी अभी विधायक थे, वैसे इस्तीफा दे दिया है आज उन्होंने, तो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बनना हो, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बननी हो, या उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना हो, वो सारे काम आपके आसपास भी हुए हैं, पूरे उत्तराखंड के लिए भी हुए हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम पूरे देश के लोगों ने देखा है, तेज़ी से चला है। हेमकुंड साहब भी चूँकि उसी जनपद में है जहाँ से आप विधायक हैं, वहाँ का रोपवे का काम चल रहा है, केदारनाथ रोपवे का काम चल रहा है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन भी चल रही है। ऐसे अनेक कामों से आपने प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ली है। हम सभी, मैं अपनी तरफ से भी आपका बहुत स्वागत करता हूँ, और ये हमारे लिए एक वातावरण तो हमारा पहले से ही बना हुआ है। उत्तराखंड की 5ों लोकसभा सीटें हम बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं, और राजेंद्र जी के हमारे परिवार में शामिल होने से पूरे हमारे उस लोकसभा क्षेत्र समेत उत्तराखंड के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक माहौल बनेगा। एक बार फिर से मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि आज जो है आज आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हुए, हमारे परिवार के अंग बन गए। आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा आग्रह है आदरणीय पीयूष गोयल जी से कि वो मीडिया के साथियों को संबोधित करें। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र भंडारी जी का, जिन्होंने वर्षों से उत्तराखंड की बद्रीनाथ धाम की सेवा की है, अलग अलग पदों पर रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से अपने कार्यशैली से लोगों का दिल जीता, उससे
बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी इस वक्त बीजेपी में शामिल हो गए हैं और 3 बार विधायक भी रहे हैं राजेंद्र भंडारी। फिलहाल ये एक खबर थी जो आप तक पहुंचानी थी, और आइए अब सीधा आपको लिए चलते हैं खास कार्यक्रम की तरफ। हमें डेट जो होता है इवेंट्स के लिए, नेशनल लेवल के लिए, तो हमें 4 दिन पहले 5 दिन पहले ही निकलना पड़ता है, क्योंकि आरडी यहाँ से रामबन साइड से हमारा जो एरिया है वो बहुत ख़राब होता है, उसकी वजह से हमारे प्लेयर्स बहुत सफ़र हो रहे हैं। आज ये जो हमारी जो ट्रेन है जो सिंगलधर जा रही है, मैं चाहता हूँ कि सिंगलधर नहीं बल्कि ये ट्रेन पूरी जम्मू जानी चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर है वो सफ़र ना हो जाए। यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के अंदर खेलो इंडिया स्कीम हो रही है, खेलो इंडिया इवेंट्स हो रहे हैं जो बिल्कुल सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उस इवेंट में हमारे गरीब तबका के बच्चे भी जाते हैं, क्योंकि इसको खेलो इंडिया में हमारे बच्चों को एक स्कॉलरशिप मिलती है, 1 लाख 1.5 लाख रुपये मिलते हैं। और रिसेंटली 2 दिन पहले हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने ये यहाँ पर ऐलान भी किया है कि खेलो इंडिया जो विनर्स हैं वो एलिजिबल हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। यूथ के लिए तो यही है कि अगर इलेक्शंस हुए हैं, अब जो भी पार्टी आएगी उनसे यही मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर डेवलप होना चाहिए। पनिहाल से अब ट्रेन आगे बढ़ चुकी है और ये 48 किलोमीटर लंबा पैच है जो कि आगे बढ़ाया गया है संगलदान तक। और इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो ज़्यादातर जो ये रास्ता है सुरंगों से होकर गुजरता है, 16 इसमें पुल हैं, और जहाँ जहाँ सुरंगें नहीं होती जब बाहर निकलते हैं तो बेहद खूबसूरत यहाँ के दृश्य दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो कनेक्टिविटी है वो इससे बढ़ गई है, लोग बहुत खुश हैं कि अब बहुत जल्दी ही जम्मू कटरा तक सीधे जो है वो ट्रेन से पहुंच सकेंगे और देश के अन्य हिस्सों के लोग भी सीधे ट्रेन के माध्यम से जम्मू कश्मीर से जुड़ेंगे और अन्य जो इलाके हैं वहां पर भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुविधा और सस्ता होने के साथ साथ ये विभिन्न संस्कृतियों को एक सूत्र में भी पिरोता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अगर दर्शन होंगे तो यहाँ पर होंगे जब ये ट्रेन का रास्ता जो है पूरी तरह से देश के अन्य हिस्सों से जुड़ जाएगा। और अब हम पहुंच चुके हैं संगलदान जो कि यहाँ का एक्सटेंडेड पैच है। पहले ये रेल केवल बनिहाल तक आती थी और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर लोगों की। लोग काफी उत्साहित हैं क्योंकि यहाँ तक आने के लिए उनका पूरा दिन लग जाता था और कभी कभी बारिश की वजह से, बर्फबारी की वजह से बहुत समय ऐसा होता था कि उन्हें अपनी यात्रा रोकनी पड़ती थी, लेकिन अब ये जो यात्रा है निर्बाध हो गई है, अनवरत यहाँ पर लगातार चल रही है, कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। 3-4 दिन रामबन से लगते हैं बनिहाल से रामबन तक, जब भी लैंडस्लाइड होता है, बारिश होती है, बर्फ़ होती है, पर्टिकुलरली विंटर में, और उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट ये प्रोजेक्ट है। मगर अगर हम जनरल सोचेंगे पब्लिक को बहुत फ़ायदा हुआ है, उसी फायदे को नज़र में रख के वो वोट भी करेंगे। तमाम परिदृश्य यहाँ पर बदल रहा है और इस बदलते परिदृश्य में जो चुनावी परिभाषा है, जो चुनावी तस्वीर है, वो भी यहाँ पर एक नया रंग ले रही है, नया आकार ले रही है। और लोगों की सोच बदली है, मानसिकता बदली है। उनका कहना है कि अब विकास और विकास उनके एजेंडे में शामिल है। तो क्या बोले भारत में, जम्मू कश्मीर से इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।